नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 8, विच इज़ एन्जाइटी डिसऑर्डर। द कंटेंट्स आर: व्हाट इज़ एन्जाइटी, what is general anxiety disorder, explain etiological factors of general anxiety disorder, discuss management of general anxiety disorder, what is panic disorder with agoraphobia, what is panic disorder without agoraphobia. Let's start. Introduction. Anxiety is a normal human emotion that everyone experiences at times. Many people feel anxious or nervous when faced with problems at work, before taking test or making an important decision. तो अगर हम देखें, एन्जाइटी जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला एक शब्द है। लाइक अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइफ में डेली बेसिस पर हम कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में या किसी ना किसी जब जगह पर हम एन्जाइटी फील करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एन्जाइटी जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जो कभी ना कभी हम लाइफ के किसी भी स्टेज में या सिचुएशन में हम फील करते हैं। और जब हम फील एन्जाइटी फील करते हैं, लाइक जब हम एंशियस होते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसे कि हम अगर अपनी जॉब पे या अपनी स्टडीज़ को लेके या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या टेस्ट देने से पहले जो हमें नर्वसनेस होती है, इंटरव्यू देने से पहले जो हमें नर्वसनेस होती है, या फिर कोई भी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक जो एन्जाइटी या नर्वसनेस होती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो बताती हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है एन्जाइटी को फील करते हैं। अब अगर एन्जाइटी की बात की जाए तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका जो था एन्जाइटस, और जिसका मीनिंग होता है टू चोक और थ्रॉटल और ट्रबल और अपसेट। यानी कि एक लैटिन शब्द एन्जाइटस जहाँ से ये लिया गया है, और जिसका अगर उसको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता टू चोक। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एन्जाइटी किसी भी पर्सन को होती है तो उसको एकदम से घुटन सी महसूस होने लगती है, या उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वो उसका दम घुट जाएगा। तो इस तरीके से मतलब कि मीनिंग निकल गया था। इन मॉडरेट लेवल एन्जाइटी स्टिमुलेट्स एन एंटिसिपेटरी एंड अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू चैलेंज स्ट्रेसफुल इवेंट्स, वेयर एज इन एक्सेस एन्जाइटी डीस्टेबलाइज द इंडिविजुअल। अब अगर माइल्ड फॉर्म में एन्जाइटी की बात की जाए, एक मॉडरेट लेवल पे एन्जाइटी की बात की जाए, तो एन्जाइटी जो है वो हमारे एंटिसिपेशन को स्टिमुलेट कर देती है। यानी कि हमें एन्जाइटी होती है कि जब हमें लगने लगता है कि कुछ भी बुरा होता है, लेकिन वो उतनी एक्सट्रीम लेवल की एन्जाइटी नहीं है, मतलब एक मॉडरेट लेवल की एन्जाइटी है। और उस वक्त हमारा जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, हमारे बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, वो एनहेंस हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो बॉडी है या हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, वो हमें उस टाइम पे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार करता है। एक तरीके से हमारे बॉडी का फाइट और फ्लाइट जो सिंड्रोम है वो रेडी हो जाता है, और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उस टाइम पे जो भी हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है वो एनहेंस हो जाता है, लाइक जैसे कि हार्ट बीट का तेज़ होना, पल्सेशन होने लगना, और प्यूपल्स का डायलेट हो जाना, गला सूखने लगता, स्वेटिंग होने लगना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि कहीं ना कहीं हम एन्जाइटी की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसे हम फेस कर रहे हैं, हमें घबराहट हो रही है या हमें नर्वसनेस हो रही है। तो उस टाइम पर ये कुछ सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो अडेप्टिव जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो गया है। वहीं अगर एन्जाइटी जो है एक्सेस लेवल में हो जाती है तो ये हमारे बॉडी के मैकेनिज्म को डीस्टेबलाइज कर देती है। यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे फिर वो जो सिस्टम है या वो जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। एन्जाइटी अकर्स नॉर्मली एज अ सिग्नल ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर और थ्रेट। तो एन्जाइटी जो माइल्ड फॉर्म में है वो एक तरीके का सिग्नल है कि कोई ना कोई खतरा, कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो शायद हमारे लिए सही नहीं है। इट इज़ वेरी कॉमनली अकर इन मैनी डिसऑर्डर्स इन एडिशन टू द एन्जाइटी डिसऑर्डर। और बहुत सारी सिचुएशन में ये जो एन्जाइटी डिसऑर्डर वो एसोसिएट करता है, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर एन्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो एसोसिएट कर सकता है, लिंक कर सकता है, और बहुत सारी डिसऑर्डर के साथ ये मिलके हो सकता है। अब हम बात करते हैं जनरल एन्जाइटी डिसऑर्डर की। तो एन्जाइटी का ही
पार्ट है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो नाम से ही पता चल रहा है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि जनरल फॉर्म में लोगों को होता है। और ये इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो दिस इज़ एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी अबाउट एवरी डे थिंग, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी काम कर रहे हैं उन हर चीज़ से लेके अगर देखा जाए तो हमें एंजाइटी रहती रहती है। और इसका बहुत एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल सकता है फीमेल्स के अंदर और ख़ास तौर से हाउस वाइफ्स के अंदर। जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अक्सर हर छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन करना, या कहते हैं कि उनकी उनकी हैबिट में आ चुका है एंजाइटी करना। और उनको उनकी एंजाइटी ऐसी है कि वो उनके खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, यानी कि उनको होती ही होती है। वो चाहे कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें लेकिन उनके कंट्रोल के बाहर है। और हर छोटी छोटी बातों को लेके और डेली बेसिस के, अगर चाहे हाउस होल्ड के काम हो या बाहर के काम हो या अपने बच्चों से रिलेटेड कोई बात हो, हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात हो, तो हर घर की महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है ऑलमोस्ट। दिस कॉन्स्टेंट वरी अफेक्ट्स डेली फंक्शनिंग एंड कैन कॉज फिजिकल सिम्टम। अब ये जो रोज़ रोज़ की चिंता है, रोज़ रोज़ की जो वरी है, कहीं ना कहीं पर्सन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो डेली फंक्शनिंग होती है, उसको भी अफेक्ट करती है। साथ साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी कॉज करती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी और अगर डेली बेसिस पर किसी की हैबिट में आ चुका है एंजाइटी लेना, तो हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है डेली डेली कोप नहीं कर पाता ऐसी एंजाइटी से और वो फेल होने लगता है। और बहुत सारी जगह पे ऐसा आता है कि जब एक्सेस अमाउंट में एंजाइटी होती है तो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म पहले ही गिव अप कर देता है, क्योंकि वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है अपने आप को रिकवर करते करते कि वो एक्सेसिव एंजाइटी को झेल ही नहीं पाता। सो जीएडी कैन अकर विद अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज। तो जीएडी जो है वो दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकता है, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ ही। यानी कि अगर किसी को पहले से सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर है, जो पहले से ड्रग्स वगैरह लेता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है, या फिर पहले से ही किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर या और कोई दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर लाइक फोबिया है या पैनिक डिसऑर्डर, तो उनको एंजाइटी डिसऑर्डर उनके साथ एसोसिएट करता है कॉमनली। देन द फोकस ऑफ जीएडी कैन शिफ्ट, यूजुअली फोकसिंग ऑन इश्यूज लाइक जॉब, फाइनेंस, हेल्थ ऑफ बोथ सेल्फ एंड फैमिली, बट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज सच एज स्कोर्स, बींग लेट फॉर अपॉइंटमेंट एट्सेट्रा। अब अगर जीएडी की मैं बात करूँ तो ये भी जो है वो टॉपिक टू टॉपिक, या फिर हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन को लेके एनजाइटी हो रही है। किसी को यू नो लाइक जॉब से रिलेटेड एनजाइटी रहती है, किसी को फाइनेंस से रिलेटेड एनजाइटी रहती है, किसी को अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड एनजाइटी रहती है, किसी को अपॉइंटमेंट देने जाना है तो उस चीज़ पर एनजाइटी हो गई, किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो उस चीज़ पर एनजाइटी हो गई, किसी का नया जॉब स्टार्ट हो रहा है या वर्क जॉब में कोई थोड़ा सा भी प्रेशर आ गया तो एनजाइटी उसको होने लगी है, या फाइनेंस से रिलेटेड अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ गई तो एंजाइटी होने लगी है। तो मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती ही है पर्सन की लाइफ में जो उसको एंजाइटी करती है, जो उसको जीएडी करती है। अब नेक्स्ट, वीमेन्स आर ट्वाइस टू बी अफेक्टेड देन मेल। अब वही चीज़ आ गई जो मैंने पहले बताया था कि फीमेल्स के अंदर जो इसकी इंटेंसिटी है और जो एक तरीके से जीएडी है वो ज़्यादा देखने को मिलता है मेन के कंपैरिजन। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि जो घर की औरतें होती हैं, लाइक जो हाउसवाइफ्स होती हैं ज़्यादातर, या जो घर में रहती हैं, उनको हर चीज़ की चिंता होती है। और ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल हमारे अपने घर में भी देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर। अगर आप अगर कंपेयर करो तो अपनी मदर्स से कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जो मदर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर चीज़ को लेके चिंता करती हैं, घर के कामों को लेके या यू नो रिलेशंस को लेके या फाइनेंस को लेके या अपने बच्चों को लेके या अपने हस्बैंड को लेके वो ज़्यादातर चिंता करती हैं, क्योंकि वो घर में रह रहे के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनके एक नेचर में, उनकी हैबिट में आ जाता है हर चीज़ को लेके वरी करना। द DSM-IV TR आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग सिम्टम्स एसोसिएटेड विद GAD। द सिम्टम्स मस्ट हैव अकर्ड फॉर एटलीस्ट 6 months एंड मस्ट हैव कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस इन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग। तो अगर इसको आइडेंटिफाई करने की बात करें तो DSM-IV ने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, और अगर ये सिम्टम्स 6 महीने तक लगातार बने हुए हैं तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज अफेक्टिंग विद GAD। और अगर यही सिम्टम्स उसकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहे हैं और डेली फंक्शनिंग को बिगाड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस पर्सन को जो है जीएडी होने के चांसेस है या हो सकता है। अब वो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, लाइक फर्स्ट वन इज एक्सेसिव एंजाइटी और वरी अबाउट अ नंबर
नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब कि हर चीज़ को लेके, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस को लेकर, नंबर ऑफ सिचुएशंस को लेके पर्सन को एक्सेसिव वरी होना। देन रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, हमेशा बेचैन रहना, उसको ऐसा लगना कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया तो हो जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पर्सन को पता ही नहीं होता है कि उसको एंजाइटी किस बात की हो रही है, लेकिन फिर भी उसको एंजाइटी होती है। देन बींग ईजिली फटीग, जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हैं उनकी उनकी एक निशानी होती है कि वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग में बस और बस सिर्फ एंजाइटी ही भरी रहती है, हमेशा एक ही एक चीज़ को सोचना या हर चीज़ को लेके इतना ज़्यादा वरी करना कि माइंड से तो पर्सन एग्जॉस्ट होता ही होता है, साथ में फिजिकल एग्जॉस्टन भी उसको होने लगता है। डिफिकल्टी कंसनट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, कंसनट्रेट करने की, जिन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वरी भरी है, टेंशन भरी है, वो ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे किसी में, यानी कोई भी अगर हाउस होल्ड वर्क भी कर रहे हैं या कोई अपना जॉब पे कोई काम कर रहे हैं या कहीं पर भी कुछ कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल सकता है। साथ साथ में कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि उनका दिमाग जो है बिल्कुल एक तरीके से ज़ीरो हो चुका है या बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है, एकदम ब्लैंक हो गया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। देन इरिटेबिलिटी, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरी पड़ी है, मस्कुलर टेंशन होने लगती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनता है, अकॉर्डिंग टू DSM-4 व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो अभी जैसे मैंने बताया डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-4 के हिसाब से जो है वो 6 मंथ का क्राइटेरिया होता है। 6 मंथ तक अगर किसी को लगातार एंजाइटी के सिम्टम्स बने हुए हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम GAD। एटियोलॉजी ऑफ GAD, अब हम एक एक करके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज साइकोडायनामिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइटी इज एन एबिलिटी ऑफ ईगो टू इंटरवीन व्हेन कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। अब एंजाइटी क्यों हो रही है? जब हमारे इड और सुपर ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। नाउ हम सब जानते हैं कि हमारा जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है वो 3 आस्पेक्ट से मिलकर बना है, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यानी कि उसमें इड क्या है जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स पे उसका फोकस रहता है। जिन लोगों के अंदर इड की पर्सनैलिटी मुख्यतः रूप में देखने को मिलती है, पर्सनैलिटी के तीनों स्ट्रक्चर और तीनों ही टाइप की पर्सनैलिटी जो है या तीनों जो आस्पेक्ट है वो हर एक इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन किस इंसान के अंदर कौन सा पर्सनालिटी का आस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हैवी है या वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी को टेक ओवर कर रखा है उस आस्पेक्ट ने, तो वो डिपेंड करता है कि फिर पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो इड में क्या होगा कि प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और जिन लोगों के अंदर इड की पर्सनालिटी हावी होती है, जिनके ऊपर इड की पर्सनालिटी भारी रहती है, तो वो लोग ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के अंदर सुपर ईगो की पर्सनालिटी भारी रहती है, यानी कि सुपर ईगो जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है परफेक्शन प्रिंसिपल पे, और ऐसे लोग ज़्यादातर अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि वो अपनी नीड से समझौता कर लेंगे लेकिन अपने मॉरल्स और वैल्यू से समझौता नहीं करते। तो इड तो क्या हो गया कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड पे फोकस करते हैं, सुपर ईगो के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए उनके मॉरल्स और वैल्यू, वहीं जो बीच का है ईगो वो क्या कर रहा है, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का काम कर रहा है। यानी कि ईगो इस तरीके से काम करता है कि आपकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो जाए, प्लस आपके जो भी मॉरल्स और वैल्यूज़ है वो भी एक्सप्लॉइट ना, एक तरीके से बैलेंस बनाने का और हारमोनी बनाने का काम है ईगो का। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो डिस्टर्ब हो रहा है तो ये भी हमें क्या करता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी करवाता है, क्योंकि ईगो जो है वो एंजाइटी को डील नहीं करवा। हमारी लाइफ में जो भी एंजाइटी प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों के अंदर ईगो इंटैक्ट है तो उन लोगों के साथ ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो सोच समझ के बहुत आसानी से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के अंदर ईगो की पर्सनैलिटी या ईगो का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से बना हुआ होता है या वो अच्छे तरीके से कोप कर रहा होता है, तो ईगो जो है, एक ईगो की पर्सनालिटी या ईगो का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो सिचुएशन के बीच में जो भी
जैसी भी सिचुएशन होती है वो हमें डील करना सिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईगो ही हमारा डिफेक्टिव है, ईगो ही हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि इड और सुपर ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगेगा और यही होता है कि हमारे हमको एंजाइटी होती है क्योंकि हम उस टाइम पे सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। व्हेन डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन ईगो फंक्शनिंग इज अनेबल टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल विल यूज डिफेंस मैकेनिज्म टू सॉल्व। अब होता क्या है कि जब इड और सुपर ईगो के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है और ईगो जो होता है वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, ईगो क्योंकि वीक है, ईगो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट अपन कह सकते हैं ईगो की फंक्शनिंग का हो रहा है, तो क्या होगा कि फिर ऐसे में पर्सन क्या करेगा, फिर डिफेंस मैकेनिज्म का सहारा लेगा, डिफेंस मैकेनिज्म को वो यूज़ करेगा और बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या है पर्सन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। अब ओवर यूज़ ऑफ इनइफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म रिजल्ट्स इन माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू एंजाइटी। अब होगा क्या नतीजन कि जो लोग डिफेंस मैकेनिज्म का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर वो एंजाइटी से डील नहीं करता। एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताती हूँ आपको। सपोज करो कि किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है अपनी जॉब के लिए, अपनी नई जॉब के लिए एक व्यक्ति है जिसको इंटरव्यू, अब इंटरव्यू देने से पहले सबको जो है एंजाइटी होती होती, या फिर चलो इंटरव्यू छोड़ो प्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन देने जाना है, कोई स्टूडेंट है उसका क्लास में प्रेजेंटेशन है और आज की तारीख में उसे प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन अब उसको प्रेजेंटेशन देने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी फील हो रही है। अब उसको एंजाइटी फील हो रही है जैसे कि मैंने बताया एंजाइटी जो है वो फिजिकल सिम्टम्स पर प्रोड्यूस कर रही करती है, तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, गला का सूखना, हाथ पैरों में कभी कभी शिवरिंग सी फील होना, या फिर पीपल्स का डायलेट हो जाना, हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट काम करने लगती है, तो इस तरीके से जो है वो के नाम से जो एंजाइटी है वो अपने सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स शो करती है। अब क्या होगा कि अगर ये एंजाइटी माइल्ड फॉर्म में होती तो पर्सन कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेता, लेकिन अभी क्यों है ये एंजाइटी जो है वो थोड़ी सी सीवियर फॉर्म में है, थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है उस व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन देने से पहले, उस स्टूडेंट को अपना प्रेजेंटेशन देने से पहले। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो क्या कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ कर रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म सपोज करो उसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया अवॉइडिंग, अब अवॉइडेंस क्या होता है कि अवॉइड करना, यानी कि उस सिचुएशन को जिससे आपको एंजाइटी हो रही है उसको आप अवॉइड कर रहे हो, तो वो स्कूल ही नहीं, मतलब वो क्लास में ही नहीं जाता, वो कॉलेज ही नहीं जाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन है और वो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मे बी वो शायद प्रिपेयर नहीं है, उसको ठीक से कुछ आता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी हो रही है, तो उसने क्या किया उस सिचुएशन को ही क्या किया अवॉइड कर दिया, उसने वो कॉलेज ही नहीं गया, कॉलेज स्किप कर गया, जिसकी वजह से अपने एंजाइटी उसने, अब यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़े टाइम के लिए तो एंजाइटी जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, थोड़े टाइम के लिए वो बच जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि अगर वो इस चीज़ को कब तक करेगा, लाइक एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीन दिन करेगा, तो कब तक करेगा, तो कब इस तरीके से जो होता है कि धीरे धीरे करके ये ओवर यूज़ जो होता है वो इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स में चेंज हो जाता है, इनइफेक्टिवली वो क्या करता है उसको चेंज करने लगता है। अब सेकेंड है कॉग्निटिव थ्योरी। इन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर देयर इज एन एविडेंस ऑफ फॉल्टी और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स अकम्पनिंग माल अडेप्टिव बिहेवियर्स एंड इमोशनल डिसऑर्डर। व्हेन देयर इज डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन देयर इज अ सब्सिक्वेंट डिस्टर्बेंस इन फीलिंग एंड बिहेवियर बिकॉज ऑफ फॉल्टी कॉग्निशन देयर इज अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम वेदर इट इज फिजिकल और इंटरपर्सनल। अब इन कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो बताया गया है फॉल्टी और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न जो कि अकम्पनिंग करता है माल अडेप्टिव बिहेवियर, यानी कि हमारी जो थिंकिंग है, क्योंकि कॉग्निटिव है, कॉग्निशन का मतलब क्या है यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न काम कर रहा है, थिंकिंग पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है, तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा जब थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो इमोशंस है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो हमारे बिहेवियर पे असर डालती है, क्योंकि हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो हमारी थिंकिंग के थ्रू, हमारा जो भी स्पीच होता है वो थिंकिंग के थ्रू ही गाइड होता है। व्हेन देयर इज इन डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन देयर इज सब्सिक्वेंट डिस्टर्बेंस इन फीलिंग एंड बिहेवियर, वही सेम चीज़ है, जब हमारा थिंकिंग पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है यानी कि हमारा कॉग्निशन डिस्टर्ब हो रहा है तो ये हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर में भी डिस्टर्बेंस शो कर रहा है। Because of faulty cognition, there is a loss of ability to reason regarding the problem, whether it is physical or interpersonal. अब faulty cognition की वजह से क्या हो रहा है
फिजिकल और इंटरपर्सनल दोनों ही तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो क्या कर रही है, हमें एंजाइटी प्रोड्यूस करवा रही है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसमें कि पहला आता है जेनेटिक्स। नाउ 15 to 20% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो है वो जीएडी से अफेक्ट है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स में जीएडी है या मदर या फादर को जीएडी है तो उनके बच्चों में भी 15 to 20% चांसेस बढ़ जाते हैं उनको जीएडी होने के। नेक्स्ट जो है बायोकेमिकल थ्योरी हमें बताती है द न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटोनिन डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन एंड गाबा आर स्पेसिफिकली बिलीव टू बी लिंक्ड टू मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जो चार न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सीरोटोनिन डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन एंड गाबा, ये स्पेसिफिकली लिंक्ड बताए जाते हैं मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर से। अगर सीरोटोनिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये कनेक्ट करता है डिप्रेशन और एंजाइटी से। डोपामिन भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है पर्सन एनर्जी लेवल अटेंशन रिवॉर्ड एंड मूवमेंट विच में लीड टू एंजाइटी सिम्टम। डोपामिन जो है वो इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट डालता है कंसंट्रेशन लेवल पे अटेंशन पे रिवॉर्ड पे मूवमेंट पे जो कि एंजाइटी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करवाते हैं। देन नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो फाइट और फ्लाइट, क्योंकि मैंने ये बताया था एंजाइटी जब होती है तो हमारे बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट किस वजह से हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि इसका नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिलीज है वो इसमें बढ़ जाता है जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है और जिसकी वजह से हमें फिजिकल सिम्टम्स अपियर होते हैं इन एंजाइटी सिचुएशन। देन गाबा जो है प्ले अ रोल इन बैलेंसिंग एक्साइटमेंट and agitation and feeling of calm and relaxed suggested to be reduced in anxiety disorder। GABA के लिए ऐसा माना जाता है कि anxiety disorder के अंदर GABA जो है वो reduce हो जाता है, क्योंकि GABA जो है वो agitation और calmness को enhance करता है, हमें calm करवाता है relax करवाता है। और क्योंकि anxiety किसी को हो रही है तो वो calm नहीं हो रहा है, वो relax नहीं feel अपने आप को करता है, वो उसकी उसके जो mechanism है body का वो enhance हो जाता है, वो बढ़ जाता है just because of norepinephrine। तो GABA क्या है यहाँ पे कम मतलब कि यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हमको रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, हमको काम डाउन नहीं करवा पा रहा है। देन सब्सटेंस यूज एंड अब्यूज, एंजाइटीज रिजल्टेड फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम एन इलिसिट ड्रग्स सच एज कोकेन और एम्फेटामाइन्स। इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है लाइक कोकेन और एम्फेटामाइन्स, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन क्या कर रही है हमें प्रोवोक करने का ये जो कोकेन और एम्फेटामाइन्स जो है वो हमें क्या कर रही है प्रोवोक करने का इवोक करने का काम करती है। और अगर ज़्यादा मात्रा में हमने इनका यूज़ किया तो ये इंटॉक्सिकेशन करती हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेट बनाती है जिसकी वजह से एंजाइटी हो सके। विड्रॉल फ्रॉम एन एलिसिट ड्रग सच एज हेरोइन और प्रिस्क्राइब्ड लाइक बेंजोडाइजेपिन, अचानक से अगर अब्रप्टली इस इन ड्रग्स का यूज़ बंद कर दिया विड्रॉ कर दिया तो भी क्या होता है कि ये हमें एलिसिट कर सकती है, हमारी एंजाइटी को बढ़ा सकती है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन बारबिट्यूरेट है एंजाइटी की सिचुएशन में ही प्रिस्क्राइब की जाती है। और ऐसे में अगर इसको अचानक से विड्रॉल कर देते हैं सडन विड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारे मूड को क्या करती है एनहेंस कर देती है। देन मेडिकल फैक्टर्स, एंजाइटी इज एसोसिएटेड विद सम मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एनीमिया हो गया, अस्थमा हो गया, इन्फेक्शंस हो गए कुछ सेवरल हेल्थ कंडीशंस हो गई, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, सिम्टम्स ऑफ मेडिकल इलनेस भी आती है एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन लाइक एम्फाइसिमा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लाइक ट्रॉमा फ्रॉम इवेंट्स सच एज अब्यूज़ विक्टिमाइजेशन और डेथ ऑफ लव्ड वंस, स्ट्रेस इन पर्सनल रिलेशनशिप मैरिज फ्रेंडशिप एंड डाइवोर्स, स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस फ्रॉम स्कूल, स्ट्रेस अबाउट फाइनेंस एंड मनी, स्ट्रेस फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी। तो जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो सीरोटोनिन होता है। बेसिकली चार न्यूरो ट्रांसमीटर्स में इन्वॉल्व होते हैं सीरोटोनिन डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा, जैसे कि मैंने लास्ट लाइन्स में बताया था, बट अगर मेजरली देखा जाए तो मेजरली सीरोटोनिन इसमें इन्वॉल्व होता है। देन मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट आता है साइकोथेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी इज अ जनरल नेम फॉर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस विच ट्राई टू गेट द पेशेंट टू ब्रिंग टू द सरफेस देयर ट्रू फीलिंग्स सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड देम। तो यहाँ पे साइकोथेरेपीज हेल्प करती हैं पर्सन की जो भी दबी हुई एंजाइटी है, जो भी जो भी फीलिंग्स है उसको सरफेस पे लाने के लिए कोशिश की जाती है सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड, ताकि पर्सन जो है उन चीज़ों को समझ सके। अंदर दबी रहेंगी तो वो
अननेसेसरी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करके उन सिचुएशंस को, उन एनजाइटी वाली सिचुएशन से डील करता रहेगा, जो कि एक टेम्परेरी बेस्ड होती है और एक 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 माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स आकर करवाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोशिश ये करनी है साइकोथेरेपी में कि जितनी भी फीलिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं एनजाइटी से रिलेटेड, जो भी थॉट्स उनको सरफेस पे लाया जाए, जिससे कि पर्सन उनको एक्सपीरियंस करे, उनको समझे और फिर उनसे डील करे। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी यूजेस द बेसिक अजम्पशंस दैट एवरीवन हैज़ फीलिंग्स हेल्ड इन सबकॉन्शियस माइंड विच आर टू पेनफुल टू बी फेस्ड। इसमें यही होता है कि जो भी फीलिंग्स हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती, तो पर्सन को लगता है कि अगर वो बाहर आई तो वो मुझे तकलीफ देंगी, लेकिन यहाँ पे बाहर लाना ज़रूरी है ताकि उनको जड़ से ख़त्म किया जा सके। वी देन कम अप विद डिफेंस टू प्रोटेक्ट अस नोइंग अबाउट दिस पेनफुल। और होता भी यही है कि डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें पता होता है कि ये जो चीज़ है वो अगर उसको वो सामने आई तो वो मुझे तकलीफ देगी, इसलिए हम डिनाई करते हैं या अवॉइड करते हैं या और तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स का हम यूज़ करते हैं और अब्रप्टली यूज़ करते हैं, जो कि हमको माल अडेप्टिव रेस्पॉन्स आगे के लिए आकर करवाती है। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी अज्यूम दैट दीज डिफेंसेज हैव गॉन रॉन्ग एंड आर कॉजिंग मोर हार्म टू द क्लाइंट। यूजुअली सपोर्टिव साइकोथेरेपी इज यूज आइदर अलोन वेन एंगजाइटी इज माइल्ड और इन कॉम्बिनेशन विद ड्रग थेरेपी। तो साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी में यही अज्यूम किया जाता है कि जब इन डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पेशेंट, तो वो गलत होने लगते हैं, जो कि पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी है माइल्ड केसेस में, माइल्ड एंजाइटी में, वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है, वो दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर किसी को एक्सट्रीम लेवल की एंजाइटी है तो ड्रग्स के साथ साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपी। तो बिहेवियर जो कि सीबीटी होती है उसको कैसे करेंगे, लाइक सीबीटी एम्स टू रिकॉग्नाइज एंड चेंज द पेशेंट्स थिंकिंग पैटर्न दैट आर एसोसिएटेड विद एंजाइटी एंड ट्रबलसम फीलिंग। नाउ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव थेरेपी में क्या किया जा रहा है, बिहेवियर और कॉग्निशन दोनों को चेंज किया जा रहा है। पर्सन का जो भी बिहेवियर है वो किस बेसिस पे चेंज होगा, उसके थिंकिंग पैटर्न। तो पहले पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न चेंज किया जाता है और उसके बाद उसके बिहेवियर पे वर्क किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि जैसा हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, जैसा हमारा कॉग्निशन होता है, हमारा बिहेवियर, हमारी फीलिंग्स भी वैसे ही मोल्ड होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो जब हमारा थिंकिंग पैटर्न ही गलत है, जब हमारा कॉग्निशन ही जो है वो फॉल्टी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर, तो यहाँ पे वही किया जाता है कि पहले जो कॉग्निटिव पार्ट है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न को ठीक किया जाता है। और जो दूसरी चीज़ है, बाद में जो दूसरा प्लान किया जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है, वो बनाया जाता है हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कि कैसे हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करना है और कैसे हमारे बिहेवियर को इस तरीके से बनाना है कि वो एंजाइटी से डील कर सके। जैसे कि जो सीबीटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट होता है कॉग्निटिव पार्ट, जैसा कि मैंने बताया, इसमें किसको ट्रीट किया जाता है, किसको ठीक किया जाता है, थिंकिंग पैटर्न को। वही दूसरा पार्ट आता है बिहेवियरल पार्ट, डिजाइन टू चेंज द वे पीपल रिएक्ट टू द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। दूसरे पार्ट में कैसे वर्क किया जाता है, अपने आपके जो बिहेवियर है उसको लेके उस पर वर्क किया जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट अंडर गोइंग सीबीटी फॉर पैनिक डिसऑर्डर माइट वर्क ऑन लर्निंग दैट पैनिक डिसऑर्डर माइट वर्क ऑन लर्निंग दैट पैनिक अटैक्स आर नॉट रियली अ हार्ट अटैक। तो यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है कि जो पैनिक अटैक्स आते हैं, तो बहुत से लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हार्ट अटैक से। लाइक उनको ये लगता है क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर के ऑलमोस्ट सिम्टम हार्ट अटैक जैसे लगते हैं। कई पेशेंट्स को चेस्ट पेन फील होता है जब उनको पैनिक अटैक आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक है। तो यहाँ पर उनको करेक्ट करना है, उनके पहले तो थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट करना है, उनको ये अंडरस्टैंड करवाना है कि जो पैनिक अटैक है, जो आपको एंजाइटी की वजह से हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक। उसके बाद फिर जो उनका रिएक्शन है अपने हार्ट अटैक को लेके या अपने पैनिक अटैक को लेके, जो भी उनका बिहेवियर है उसको कोप अप करना। या फिर इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ। लाइक किसी को सपोज करो डॉग से डर लगता है, अब उसको इतना ज़्यादा डॉग का फोबिया है, इतना ज़्यादा डॉग से डर लगता है कि पर्सन जो है वो डॉग के टॉय को भी देखना नहीं चाहता, डॉग के टॉय को भी देख के उसको डर लगता है या उसको इमेजिन करके भी डर लगता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो पर्सन को जो भी डॉग से रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है वो उनको ट्रीट उसको ठीक किए जाएंगे। लाइक उसका जो भी थिंकिंग पैटर्न है एक डॉग को लेके, जो भी उसकी गलत सोच है, उसको पहले
क्योर किया जाएगा। उसके बाद उसको फिर उसके जो बिहेवियर है, लाइक जैसे डॉग को देख के डरना, डॉग के पास ना जाना, डॉग के बारे में बात, उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। तो इस तरीके से पहले जो है, पहले थिंकिंग पैटर्न को या हमारी कॉग्निशन पार्ट को ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा कॉग्निटिव पार्ट ठीक नहीं होगा, हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा। देन इसके बाद आता है रिलैक्सेशन टेक्निक। क्लाइंट विद माइल्ड टू मॉडरेट एन्जाइटी, दीज टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल। दीज टेक्निक्स कैन बी यूज बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ रूटीन एक्सरसाइज एवरी डे और वेन एवर एन्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन कम्स। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक, क्योंकि एन्जाइटी में क्या हो रहा है, हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी एनहेंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन का क्योंकि रिलीज बढ़ रहा है, जो कि हमें हमारे बॉडी को, बॉडी के सिस्टम को एनहेंस कर रहा है, या हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है, उसको एनहेंस कर रहा है, जिसकी वजह से हमें फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हो। तो यहाँ पे रिलैक्स करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एन्जाइटी के अंदर जो रिलैक्सिंग टेक्निक है वो बहुत हद तक मददगार हो सकती है, और इसके लिए जैसे कि माइल्ड एक्सरसाइजेस हो गए, जो रूटीन बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे पर्सन कर सकता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, या मेडिटेशन होता है। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि डेली बेसिस पे उसकी रूटीन में शामिल कर की जानी चाहिए पेशेंट के रूटीन में, जिससे कि पेशेंट को अपने जो उसका जो मैकेनिज्म है, जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है, उस पर वो कंट्रोल कर सके, उसके फिजिकल सिम्टम्स पे वो कंट्रोल कर सके। इसके बाद आती है फार्माकोथेरेपी। तो फार्माकोथेरेपी में एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हो गई, ट्राईसाइक्लिक हो गई, बीटा ब्लॉकर्स हो गई। तो ट्राईसाइक्लिक तो एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में भी ये ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी एंजाइटी दी जाती है, लाइक बेंजोडाइजेपिन दी जाती है, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रही हैं, जो भी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको दबा रही, उनको रिलैक्स करने का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं वो पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी साइकेट्रिस्ट हैं, वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन सी ड्रग्स जो है बेंजोडाइजेपिन्स वाली जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि डाइजापाम हो गई, अल्प्राजोलम हो गई, लोरजेपाम हो गई, क्लोनाजेपाम हो गई। तो बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती है, एक तरीके से सेडेटिव है, जो सेडेट करने का काम करती है, पेशेंट को रिलैक्स और काम डाउन करने का काम करती है, जिससे कि पेशेंट जो है कुछ टाइम के लिए अपनी एनजाइटी को भूल जाता है। इसके अलावा SSRIs भी दी जा सकती हैं पेशेंट्स को, क्योंकि अगर एन्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट नहीं किया जाता, और मैंने जैसे कि बताया एन्जाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएट करता है, जैसे कि डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट करता है, या सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ भी एसोसिएट कर, तो ऐसी अगर किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट कर रहा है एन्जाइटी डिसऑर्डर, तो फिर कॉम्बिनेशन में जो है वो ड्रग्स दे सकते हैं। SSRIs दे सकते हैं, TCAs भी इसमें वर्क करती हैं, TCAs भी दे सकते हैं। देन एडिशनल ड्रग MAOI भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स मैंने बताया ही था, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ये जो है ये एक तरीके से पैनिक डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करती हैं, और आपके सिम्टम्स को भी काम डाउन करती हैं। देन नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है पैनिक डिसऑर्डर विथ एग्रोफोबिया। सो जैसे कि मैंने बताया, पैनिक जो है हम कह सकते हैं कि जब किसी को एनजाइटी का अटैक आता है, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जब एनजाइटी सीवियर फॉर्म में होती है, और जब वो एक अटैक का फॉर्म ले लेती है, एक एपिसोड का फॉर्म ले लेती है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं पैनिक अटैक। अब ये अचानक से जिसको एकदम से टेरर फील होने लगता है, सडन टेरर फील, या सडन ऐसा कि बस अभी उसकी डेथ हो जाएगी, या उसको ये जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, और ऐसे में एकदम से जो उसके बॉडी के जो मैकेनिज्म है, लाइक जैसे कि मैंने बताया था फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आकर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का आकर हो रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा राइजअप हो जाता है कि पर्सन जो है वो पर्सन का बॉडी जो है वो कोप अप नहीं कर पाता है उन सिम्टम्स से, और वो अटैक का फॉर्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से और डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। द ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक्स आर अनप्रिडिक्टेबल। जो पैनिक अटैक है, अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो कभी भी उसको एंजाइटी अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक आ सकता है। ये अनप्रिडिक्टेबल है कि कब कौन सी सिचुएशन जो है उसको ट्रिगर कर जाए पर्सन को, और उसकी वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाए। दिस
दिस इज़ मैनिफेस्टेड बाय इंटेंस एप्रीहेंशन ऑफ टेरर. लाइक मैंने अभी बताया कि किसी को बहुत ज़्यादा टेरर, अब यू नो फियर, फियर से भी कुछ कदम आगे होता है टेरर. यानी कि फियर तो सबको लगता है, नॉर्मल फियर सबको लगता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डर लगना, एकदम से टेरर फील होना, या फिर इम्पेंडिंग डूम, लाइक अभी उसको लगता है कि वो यू नो बहुत ज़्यादा खतरे में हो. एकदम से इम्पेंडिंग डूम का मतलब है कि कोई खतरा आने वाला, पेशेंट को अचानक से ऐसा फील होने लगता है किसी सिचुएशन की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से कि उसको ये लगता है कि मेरी जान चली जाएगी, मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है. इंटेंस फिजिकल और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को होता है. इतना मैंने जैसे ही बताया कि सिम्टम्स एनहेंस हो जाते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से क्या होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स जो है वो इंटेंस लेवल का आता है. अब क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जिसको पैनिक अटैक आया हुआ होता है, तो यहाँ पे देखते हैं पालपिटेशन, पाउंडिंग हार्ट और इंक्रीज हार्ट. अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाना, पालपिटेशन होने लगता, पालपिटेशन यानी कि अपने दिल की धड़कन हमें खुद सुनाई देती है, हमें फील होता है कि हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है. देन स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगना, अचानक ही यू नो नॉर्मल मौसम है, ठीक है, गर्मी नहीं है, और फिर भी अचानक ही किसी को एकदम से स्वेटिंग हो रही है. देन ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, हाथ पैरों में कपकपाहट होने लगना, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ जो है वो फील होना, चोकिंग फील होने लगना, अचानक से ऐसा लगता है कि उसका दम घुट रहा है, चोक हो रहा है, सांस नहीं आ रहा है, चेस्ट पेन फील होने लगना, देन नॉजिया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होने लगना, फीलिंग डिजी, अनस्टेडी, लाइट हेडनेस और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है किसी किसी पर्सन को. ज़रूरी नहीं है कि सब बेहोश हो जाए, लेकिन किसी किसी को बेहोशी भी आ जाती है. डी रियलाइजेशन और डीप, अपने आप में नहीं रहना, हर चीज़ यू नो डी रियलाइज, एक तरीके से अनरियल लगना या अनपर्सनलाइज लगना. देन फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, पेशेंट को लगता है कि मैं मतलब कि यू नो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका है, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं क्रेजी हो जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. पैरास्थीसियासिस, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन फील होना. द अटैक यूजुअली लास्ट फॉर मिनट्स और मोर रेयरली फॉर आवर्स. लाइक कुछ लोगों को जो ये है अटैक जो है वो कुछ मिनट तक के लिए आता है, लाइक 4 से 5 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए, किसी किसी में बहुत रेयर केसेस में किसी को घंटे भर तक के लिए भी, घंटों घंटों के लिए भी ये जो अटैक है वो आ सकता है. पैनिक डिसऑर्डर इज सीन 2 to 3 times मोर इन फीमेल्स दैन मेल्स. यहाँ पे भी मेल और फीमेल का डिफरेंस है, मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में जो पैनिक डिसऑर्डर वो ज़्यादा देखने को मिलता है. इट कैन बी प्रेजेंट आइदर अलोन और विद एग्रोफोबिया. अब जो पैनिक डिसऑर्डर है वो एक कंडीशन होती है, एक फोबिया होता है जिसको हम एग्रोफोबिया कहते हैं, उसके साथ भी आ सकता है और उसके बिना भी आ सकता है. अभी एग्रोफोबिया मैं अभी आगे बताऊंगी. लाइक अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन विल एक्सपीरियंस पैनिक अटैक ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. अपने जीवन काल में 5% पॉपुलेशन जो है वो पैनिक अटैक फील करती है. नाउ व्हाट इज एग्रोफोबिया? तो फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन और मार्केट प्लेस फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट. पर्सन को ऐसा लगता है जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर या किसी बंद जगह पर पर्सन जो है वो फंस के रह जाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा. स्पेशली पर्सन को लोगों के बीच में भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगता है. एग्रोफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसे प्रकार का फोबिया होता है जिसमें पर्सन को बाहर जाने से डर लगने लगता है. बाहर इन द सेंस भीड़ भाड़ वाली जगह पे लोगों के बीच में जाने से. कभी कभी जब एग्रोफोबिया जो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब व्यक्ति बिल्कुल ही अपने घर से बाहर जाना बंद कर देता है, वो बिल्कुल घर में कैद होकर रह जाता है, उसको इतना ज़्यादा, और अगर कहीं ज़बरदस्ती उसको बाहर लेके जाए तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है. जैसे कि इसमें बताया गया है इट जो पैनिक डिसऑर्डर विद एग्रोफोबिया, जिनको एग्रोफोबिया के साथ पैनिक डिसऑर्डर होता है या पैनिक के साथ एग्रोफोबिया होता है, उन पेशेंट्स के अंदर ये कंडीशन होती है कि अगर उनको पहले से एग्रोफोबिया है, लाइक है ना, वो घर से बाहर जा, और अगर बाहर जाने से डरता है और अगर उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर लेके जाया जाता है या किसी ऐसी जगह पर लेके जाया जा सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे कि सपोज़ करो मार्केट प्लेस हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई यू नो ट्रेन या बस हो गई, कोई यू नो ट्रैवलिंग का कोई भी साधन, ट्रैवलिंग का कोई भी साधन हो गया, या यू नो लाइक थिएटर हो गया,
सिनेमा हॉल हो गया, तो ऐसी जगहों पे अगर उनको लेके जाएंगे तो अचानक से उनको घुटन महसूस होने लगेगी, अचानक से उनको डर लगने लगेगा, इतना ज़्यादा डर लगेगा कि उनका जो डर है वो पैनिक अटैक में चेंज हो जाएगा, उनको अटैक आ जाएगा पैनिक का। तो और उनको कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एग्रोफोबिया के अंदर जब पैनिक, जब किसी को एग्रोफोबिया होता है तो पर्सन यूजुअली क्या करता है, बाहर जाने से बिल्कुल मना कर देता है, घर में ही रहना पसंद करता है, कहीं ट्रैवल करना या किसी से बाहर मिलना जुलना कुछ नहीं। अगर किसी को उससे मिलना है तो आपको घर जाना पड़ेगा, ना कि वो घर के बाहर आएगा वो व्यक्ति। तो इस तरीके से एग्रोफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर के साथ हो सकता है। जो इसके पैनिक डिसऑर्डर के विद और विदाउट जो एग्रोफोबिया, उसके जो भी सिम्टम्स और जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और जो आपको जो मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल सेम जीएडी की तरह ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर इट्स अ सीवियर काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। लाइक एंजाइटी का एक चेंज चलता है, लाइक माइल्ड एंजाइटी, मॉडरेट एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी एंड देन पैनिक डिसऑर्डर। तो चार स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड देन पैनिक, इस तरीके से। नाउ द क्वेश्चन 3, एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन क्राउडेड। लाइक मैंने अभी बताया, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।